आज भारत में मनाए जाने वाले त्योहारों में से एक दीपावली है। तो सबसे पहले आपको और आपके परिवारों को SST पॉइंट यूट्यूब चैनल के द्वारा हैप्पी दीपावली, हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज इस दीपावली के अवसर पर दीपावली पर अपना कुछ जानकारी शेयर करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये दीपावली शब्द का क्या अर्थ होता है। वैसे आज आप लोगों के बीच जो हम यह वीडियो लेके आए हैं, इसका मुख्य मकसद मेरा यही है कि दीपावली शब्द का अर्थ बतावे। जी हाँ, दीपावली शब्द का क्या अर्थ है वो हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दीपावली संस्कृत के दो शब्द दीप और अवली से बना है। जी, दीप और अवली से बना है। जहाँ दीप का अर्थ तो समझते हैं दिया होता है, और अवली का अर्थ होता है कतारबद्ध या क्रम में या एक सीध में। अर्थात अगर दीपावली को हम कहें तो इसका अर्थ हो जाता है कि दीपों का कतार। तो दीपावली शब्द का सीधा अर्थ हो गया दीपों का कतार। लेकिन अब सवाल है, यह दीपावली अर्थात दीप जो कतार में जलाने की जो प्रवृत्ति शुरू हुई, ये कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, इससे लगभग सभी लोग अवगत हैं। क्योंकि इसके पीछे हमारे भारत में यह धारणाएं प्रचलित है कि जब अयोध्या के राजा श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास से घर वापस आ रहे थे, तो उस दिन अयोध्यावासी उसी के स्वागत में घी का दिया जलाए थे। और फिर हर वर्ष यह त्यौहार मनाने का प्रवृत्ति रीति शुरू हुई, जो अभी तक जारी है। और लगता है कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक ये जारी ही रहेगा। तो इसकी शुरुआत की कहानी ये हमारे समाज के बीच है। और इस पर्व को अगर वैज्ञानिक दृष्टि से या अन्य दृष्टिकोण से भी देखें तो यह पर्व हमारे समाज के लिए काफ़ी वरदान साबित हो जाता है। क्योंकि इस पर्व को कुछ नाम हम देते हैं, कुछ नाम से जो पुकारे जाते हैं उससे इसका और महत्व बढ़ जाता है। इसको स्वच्छता का पर्व भी कहा जाता है। क्योंकि यह पर्व का जैसे ही आगमन होता है या कहीं जैसे ही नज़दीक आती है पर्व, तो यहाँ पर साफ सफाई शुरू हो जाती है। और फिर जैसे ही यह पर्व आता है तो एक चीज़ लोगों को हो जाता है कि सत्य की जीत होती है। क्योंकि इस पर्व में सत्य की जीत हुई थी, श्री राम जी सत्य के पथ पर चले थे और पुनः उसे यहाँ आना आए थे। तो इसे स्वच्छता का भी पर्व कहा जाता है, इसे दीपों का भी त्यौहार कहा जाता है, इसे दीपावली भी कहा जाता है। पता नहीं देश के जिधर जिधर जाइएगा तो इसका नाम कई तरह से लिया जाता है, इसको कई नाम से पुकारा जाता है। तो ये तथा इसके नाम पर अब हम चलते हैं कि आज के दिन किस साथ कई कहानी जुड़े हुए हैं। क्योंकि आज के दिन जो इतने महान दिन माने जाते हैं उसके पीछे कई राज हैं, कई कहानियां, कई मान्यताएं हमारे समाज में हैं। मैं एक दो का उदाहरण दे दूं। सबसे पहले जैसे कि सिख इसे बंदी छोरो दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ, सिख इसे बंदी छोरो दिवस के रूप में मनाते हैं। जी, दीपावली को सिख बंदी छोरो दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं वो सुन लीजिए। आज ही के दिन जहांगीर ने सिख के छठे गुरु हरगोविंद सिंह को कैद खाना से मुक्त किए थे। जी हाँ, कैद खाना से मुक्त किए थे आज ही के दिन। मैं बता दूं थोड़ा सा कि जहांगीर ने 52 हिंदू राजाओं के साथ साथ सिख के छठे गुरु हरगोविंद सिंह को भी गिरफ्तार कर अपने कैद खाना में रख लिया था। लेकिन जिस दिन से हरगोविंद सिंह को उन्होंने अपने कैद खाना में रखा, उसी दिन से जहांगीर की तबीयत खराब होने लगी और दिन प्रतिदिन उसकी कमजोरी बढ़ती ही चली गई।
उसको ठीक करने के लिए बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे काजी इत्यादि आए। लास्ट में एक बुद्धिजीवी काजी ने जहांगीर को निर्देश दिया कि आपकी तबीयत उस दिन से खराब होती चली जा रही है जिस दिन से आपने सिख के छठे गुरु हरगोविंद सिंह को आप अपने कैद खाना में रखे हैं। और मेरा मानना है कि आपको अगर स्वस्थ होना है तो आप गुरु हरगोविंद सिंह को आप आज़ाद कर दीजिए। और उसकी बात उन्होंने मान ली और आज ही के दिन उसको आज़ाद किए थे, अपने कैद खाना से उसको बाहर कर दिए थे। तो इस खुशी में सिख ने जब वो आए तो दीप जलाकर उसका स्वागत किए थे। और ठीक उसी दिन से सिख समुदायों ने आज के दिन को बंदी छोड़ो दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जैन धर्म, जी हाँ, जैन धर्म आज के दिन को महावीर की मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं, आज ही के दिन। क्योंकि आज ही के दिन शायद मालूम होगा जैन धर्म के संस्थापक महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और इतना ही नहीं, आज ही के दिन लक्ष्मी माँ अर्थात धनों की देवी माँ लक्ष्मी की भी जन्म हुई थी। पता नहीं आज के दिन कितने भारत के अच्छे अच्छे काम हुए थे, उसके लिस्ट काफ़ी लंबी चौड़ी है। लेकिन मैंने जो कुछ लिस्ट आप लोगों को अभी दिए हैं शायद यह कहने के लिए इनफ है कि ये लिस्टों ने आज के दिन को इतने पवित्र और महान बना देता है कि उसको कभी हम भूल नहीं सकते हैं। अतः आज का दिन काफ़ी ही पवित्र, काफ़ी ही शुभ है। अतः इसी अवसर पर SST पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको और आपके परिवारों को इस शुभ दिन के अवसर पर, इस दीपावली के अवसर पर आपको ढेर सारे शुभकामनाएं देते हुए हैप्पी